मैं किसी को गाली दे के ऊपर आना आज तक गया हूँ, ना मुझे जाने का शौक है, क्योंकि इसलिए भी क्योंकि अगर मैं कोई मुझे उल्टा बोलेगा तो फिर मेरे से सहन नहीं हो, तो मैं फिर बिलीव रखता हूँ इसमें सीधा। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट विकी मलिक। वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बॉडी बिल्डिंग। तो कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का दिन बहुत अच्छा जाए। तो गाइस, बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट लेकर आ चुका है आपका भाई मॉर्निंग में। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एज ऑलवेज, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, ऑल अबाउट बॉडी बिल्डिंग इंडिया। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, विकी चौहान। सो गाइस, विकी चौहान जो है वो ऑलमोस्ट आई गेस 4 वीक्स आउट है फॉर शेरू क्लासिक 2022 एंड ही इज एन अमेजिंग एथलीट। मेंस फिजिक कैटेगरी में कंपीट करते हैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, एंड उनकी ओवरऑल इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो अगर 2 हफ्ते पहले देखें तो वो थोड़े से फैट नजर आ रहे थे, बट अभी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा वो लीन डाउन हो चुके हैं, एंड डेफिनेटली बहुत ही अच्छा पैकेज जो है वो लेकर आने वाले हैं ऑन द स्टेज ऑफ शेरू क्लासिक। विकी चौहान की बैक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। ओवरऑल आप मिड सेक्शन भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है उनका, एंड चेस्ट के अंदर काफ़ी अच्छे फाइबर्स नज़र आते हैं, और डेफिनेटली एक बहुत अच्छे ऑफ सीजन के बाद एक बहुत ही बढ़िया पैकेज जो है वो लेकर आने वाले हैं ऑन द स्टेज ऑफ शेरू क्लासिक 2022। तो गाइज, आपको कैसी लगी विकी चौहान की ये वाली करंट अपडेट, नीचे कॉमेंट डाउन जरूर करना। नंबर टू, फील हीत। सो गाइस, फील हीत ने नया नया अपडेट डाला है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं उनका मिड सेक्शन कितना ज़्यादा फ्लैट नज़र आ रहा है, जबकि 2020 में आई गेस उन्होंने लास्ट कम्पीट किया था जहां पर उनकी जो मिड सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लोटेड नज़र आ रही थी, मतलब गट दिख रहा था, बट उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया एंड उनका जो गट है वो टोटली अंदर जा चुका है, एकदम फ्लैट लग रहा है उनका टमी, एंड डेफिनेटली फील हीत ने अपने जो माइनस पॉइंट है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, मतलब अच्छा कर रहे हैं। तो लेट्स सी आगे कब वो अनाउंस करते हैं, क्या वो अपना रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे या फिर वो अनाउंस करेंगे कि वो फिर से कम बैक करने वाले हैं मिस्टर ओलंपिया में। नंबर थ्री, डेल्टा दिलीप। सो गाइस, डेल्टा दिलीप वन ऑफ द बेस्ट मेंस फिजिक एथलीट फ्रॉम इंडिया, एंड अमेजिंग पोटेंशियल है उनके पास जैसे आप लोग देख सकते हो, एंड डेफिनेटली मुझे इस बार काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगा डेल्टा दिलीप से, क्योंकि उनकी फिजिक ही उस तरह का है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लगते हैं जब स्टेज पर रहते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ओवरऑल जजेस भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उनके ओवरऑल फिजिक से, एंड डेफिनेटली बैक अच्छा है, मिड सेक्शन अच्छा है, शोल्डर्स तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज, और इसीलिए तो उनको डेल्टा दिलीप कहा जाता है। तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन रहेगा डेल्टा दिलीप से कि इस बार वो प्रो कार्ड जीत जाए शेरू क्लासिक में। सो गाइस, आपको कैसी लगी ये उनकी करंट अपडेट? अपडेट की बात करूँ तो अच्छे नज़र आ रहे हैं, अभी भी 4 वीक्स आउट है, एंड डेल्टा दिलीप एक ऐसे एथलीट है जो कि हमेशा ही एकदम कंडीशन आते हैं स्टेज पर, एंड पहले भी अगर एक शो की बात करूँ जैसे थाईलैंड में, उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल सिक्योर किया है, तो डेफिनेटली शेरू क्लासिक में भी एक अमेजिंग फिजिक जो है हमें डेल्टा दिलीप की तरफ से देखने मिलेगा। नंबर फोर, भुवन चौहान। सो गाइस, इंडिया की शान भुवन चौहान की बात करते हैं, तो भुवन चौहान की ये है करंट अपडेट, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मिड सेक्शन को काफ़ी ज़्यादा होल्ड रखा है जबकि वो ऑफ सीजन में है, एंड डेफिनेटली काफ़ी ह्यूज मसल मास उन्होंने गेन कर लिया है, शोल्डर्स काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड लग रहे हैं, एंड चेस्ट के अंदर राउंडनेस देख सकते हो जो कि उनका वीक पॉइंट था उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किए, एंड शोल्डर्स तो एकदम नेक्स्ट लेवल पर नज़र आ रहे हैं, एंड वो अपने कैशन में लिखते I have worked and sacrificed far too much to get here and they'll see that on stage. सो गाइस, इम्प्रूव तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है, एंड डेफिनेटली इस बार जो है हमें बिगर एंड बेटर पैकेज दिखेगा ऑन द स्टेज ऑफ मिस्टर ओलंपिया। नंबर फाइव, तरुण गिल। सो गाइस, तरुण गिल की जो अपडेट है मैं ये पूरे 7ों दिन आपको दिखाऊंगा क्योंकि हर दिन उनकी बॉडी चेंज होने वाली है जैसे कि उन्होंने क्लेम किया है, एंड अभी आई गेस वो 9 बॉडी फैट परसेंटेज में है, एंड वो कह रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा कम करेंगे अपने ओवरऑल बॉडी फैट को, तो ये वाली फिजिक देखते हैं। फिजिक की बात करूँगा तो फिजिक पूरी तरीके से फ्लैट नज़र आ रही है, ओवरऑल मिड सेक्शन जो है वो थोड़ा वॉशी नज़र आ रहा है, मतलब दिख नहीं रहा है प्रॉपरली, बाकी
ओवरऑल पूरी फिजिक मुझे फ्लैट नजर आ रही है, चेस्ट के अंदर भी कोई भी एक एक्स फैक्टर नजर नहीं आ रहा है, एंड आई होपफुली स्टेज पर कुछ अमेजिंग लेकर आए वो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोसेस होता है कि अपने पूरे ओवरऑल फिजिक को वो डिप्लीट करेंगे, एंड उसके बाद जब वो कार्ब लोड करेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा फुलर, टाइटर एंड हार्डर दिखेंगे ऑन द स्टेज। तो गाइज, आपको ये वाली फिजिक देखकर क्या लग रहा है, क्या तरुण गिल नेक्स्ट लेवल की फिजिक लेकर आ पाएंगे ऑन द स्टेज ऑफ एनपीसी चेन्नई? सो दोस्तों, लास्ट न्यूज़ है जुनैद कलीवाला के तरफ से। तो गाइज, जुनैद कलीवाला एंड नितिन चंदीला जो है वो लाइव आए थे, तो उन्होंने कुछ बातचीत करी है अबाउट हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर्स के बारे में एंड अपने नेक्स्ट शो के बारे में। तो चलिए उस वीडियो को देख लेते हैं, एंड डेफिनेटली आपके वैल्यूएबल कमेंट्स जो है वो नीचे कमेंट डाउन जरूर करना। बॉडी को शो के पहले पानी वगैरह कट करके, और मेरी बॉडी ओवर डिहाइड्रेट हो गई बिकॉज मुझे मिंसानी के जो जॉर्ज फरा के साथ मेरा कोचिंग था, तो वो फर्स्ट टाइम था कि उन्होंने मेरा फुल प्रेप करवाया था जी, और मेरी बॉडी इतनी ओवर डिहाइड्रेट हो गई बिकॉज जो क्लाइमेट भी था चेंज हो रहा था, यानी कि मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा लेकिन मेरी बॉडी ओवर डिहाइड्रेट हो गई, तो वो जगह पे मेरी सबसे बड़ी कंडीशन हो गई। आपकी 3-4 दिन पहले थी वो स्टेज पे नहीं थी भाई, एक दिन पहले की कंडीशन मैं आपको दिखा दूं ना, एक दिन पहले की वही तो मैंने 2-3 दिन पहले जो देखी थी वो एक दिन वो स्टेज के, बस उसमें क्या हुआ कि मैंने जो डिहाइड्रेशन का जो प्रोसेस रहता है हमारा वो मैंने फॉलो किया जो मुझे बताया गया था। मेरी गलती ये हो गई कि मैं सुबह उठ के जॉर्ज फरा को फोन नहीं किया ये बोलने के लिए कि यार मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि मैं थोड़ा फ्लैट हो रहा हूँ, अगर मैं फोन कर दिया होता ना तो शायद उसने मुझे फिक्स कर दिया। मैंने बोला नहीं, वो बोलेगा तो इतना बड़ा हो गया मुझसे लड़ रहा है, तो मैं एकदम डर के मारे फोन नहीं किया, और मैंने ओवर डिहाइड्रेट होने के बाद में और कार्ब लोडिंग कर ली तो मेरी बॉडी एकदम ही फ्लैट हो गई भाई। जो मैं एक दिन पहले, नितिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास में पूरा हर 2-2 घंटे का रिकॉर्ड है जैसे हम यूजुअली रखते हैं। मैं खुद ने एनालाइज किया, अगर जो मैं एक दिन पहले दिख रहा था वो स्टेज पे दिखता ना, मुझे टॉप 3 से कोई नहीं निकाल सकता था, लिख के दे सकता हूँ मैं आपको। और वो टाइम पे यार ऑनेस्टली वो टाइम पे कुछ मींस यानी के दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था, आपको तो पता ही है, तो इतना कुछ सोशल मीडिया पे था, तो मींस यानी अगेन नॉट टू ब्लेम एनीबॉडी, ठीक है जो हुआ हुआ, लेकिन अब इस बार के लिए हमने डिसाइड किया कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, और इसीलिए मैं शो का नाम अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ऐसा ना हो कि मैं बोल दूं मैं ये शो खेलूंगा फिर मैं बोलूं नहीं खेल रहा हूं। मैंने तो मैं बोलूं खेलूंगा, मैंने शो भी अनाउंस नहीं किया, यूट्यूबर्स ने बता दिया कि मैं शेरू क्लासिक खेल रहा हूं, क्या मैं प्रो कार्ड ला पाऊंगा? तो मैंने इसके लिए शो अनाउंस नहीं किया, तो हमने डिसाइड किया कि भाई हम शो के 4 हफ्ते पहले डिसाइड करेंगे कि क्या ये शो करना है या इसके बाद वाला करना है, तो जहां पे हमें लगेगा कि हाँ 4 हफ्ते पहले कि यार दिस इज अ गुड, क्योंकि मुझे वीजा का प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास 2-3 बड़ी कंट्री का वीजा है, तो इतना स्ट्रेस नहीं होगा, और अभी मैंने इटली के लिए वीजा भी अप्लाई कर दूंगा मैं मंडे के दिन, मेरी बात हो गई एजेंट से, तो मैं बोला वीजा लेके रखते हैं, अगर हमको लगेगा कि वी आर गुड टू गो विल गो। बहुत छोटा सा यूट्यूब चैनल है, लेकिन वो छोटा है ना, पता नहीं उसके अंदर में कौन सा प्रोटीन पाउडर आपने डाल दिया, और छोटा चैनल बड़ा होते जा रहा है, गेनर डाल दिया आपने उसमें। खुद से चैलेंज है कि मेरे अगर 6 लाख सब्सक्राइबर नहीं हुए, 5 से 6 लाख तो चैनल। मैं ये बोल रहा था कि देखो न्यूज चैनल जो है यूट्यूब पे बन रहे, मैं सच बताऊंगा वो किसी को नहीं छोड़ते, मुझे भी नहीं छोड़ते, व्यूज खाने ना हमने कुछ भी। लेकिन एक बात बताऊंगा मैं आपको कि एटलीस्ट उससे ना एक चीज बड़ी अच्छी हो रही है, उसके लिए मैं उनको मीन्स यू नो थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि कोई तो है जो हमारे इंडस्ट्री के न्यूज लेके आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट सच ये है कि इन्होंने इनिशिएटिव तो लिया, तो ऑल थैंक्स टू ऑल द पीपल हु इज रनिंग द न्यूज चैनल, बट एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई जो भी डालते हो ना, चाहे वो कि कॉन्ट्रोवर्सीज क्यों बड़ी होती है, क्योंकि लोगों को मजा आता है, हम देखते हैं। हाँ अभी देखो, हम अगर कुछ अच्छी बात कर रहे हैं तो हमारे जो व्यूज है वो ड्रॉप हो रहे हैं, यहीं पे हम अगर कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल बात करते तो व्यूज ऊपर जाते हैं, लोग क्या करते हैं ना शेयर करते हैं अपने दोस्तों को, देख देख क्या बोल रहा है, देख क्या बोल रहा है, तो ये रियलिटी है। बहुत से लोगों के मैसेज आए कि भाई तुम कुछ बोलो उसके बारे में, बंदा है ये गलत है, मैंने कहा भाई सुन, मैंने कहा मैं एथलीट हूँ, मेरे पास अपनी बॉडी है, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं करने को जिससे मैं अपना ऊपर जा सकता हूँ जी, मैं किसी को गाली दे के ऊपर आना आज तक गया हूँ ना, मुझे जाने का शौक है, क्योंकि इसलिए भी क्योंकि अगर मैं कोई मुझे उल्टा बोलेगा तो फिर मेरे से सहन नहीं होगा जी, तो मैं फिर बिलीव रखता हूँ इसमें सीधा।
एंड गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट बॉडी बिल्डिंग एंड डेफिनेटली मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, उस फैमिली को भी हमें बड़ा करना है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए #peaceout।